हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रूल्स 2018 में जो अमेंडमेंट हुए हैं अभी इसी मंथ, वो क्यों हुए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जियो के आने के बाद सभी ऑपरेटर्स में कई सारे बदलाव लगातार किए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। जैसे 1-2 महीने पहले की बात करें तो हमने ये देखा कि कई सारे ऑपरेटर्स ने जियो के आने के बाद टैरिफ चेंजेस में किए हैं। जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ने इनकमिंग के लिए भी मिनिमम टैरिफ प्लान्स को रख दिया है। यानी जो लेजी कस्टमर थे, जो इनका सर्विस यूज करते थे, अब उनके लिए ये हो गया कि भैया आपको इनकमिंग लेनी है आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन से, तो आपको मिनिमम रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इनकमिंग कॉल भी आपकी बंद हो जाएगी। तो ये चेंजेस किए, तो अब यूजर्स ने भी उस पर पलटवार करना चालू कर दिया। वो आप क्या कर रहे हैं, हम एमएनपी की तरफ जा रहे हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए। तो ये प्रोसेस कई दिनों से पेंडिंग थी ट्राई के लिए। ट्राई हमारे इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सारे कम्युनिकेशन को देखती है। तो इसने क्या किया वो हम देखेंगे। अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें यूजर्स के हित में आई हैं, क्या क्या नहीं, वो हम देखेंगे। इसके लिए हम देखेंगे जागरण जोश डॉट कॉम की साइड में, अलग अलग न्यूज पर आप देख सकते हो। तो हम न्यूज का ही सहारा लेंगे क्योंकि अलग अलग र्यूमर्स फैलती रहती हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या हुआ है, पहले क्या था और नया क्या हुआ है, ये हम कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे। और ग्राहक के लिए क्या क्या बेनिफिशियल हुआ है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या था, यदि कोई भी यूजर्स अपने करेंट ऑपरेटर से एमएनपी की रिक्वेस्ट करता था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की, तो उसके लिए एक यूनिक पोर्ट कोड जनरेट होता था। वो यूनिक पोर्ट कोड क्या होता था, 15 दिन के लिए वैलिड होता था, और 15 दिन के लिए वैलिड होता था। और आप किसी अन्य ऑपरेटर में जाके एमएनपी के लिए रिक्वेस्ट करते थे, मान लीजिए आप आइडिया से आए जियो में, तो 7 दिन का समय लगता था चेंज होने में। अभी क्या कर दिया है ट्राई ने, 13 दिसंबर को ये हो चुका है कि आप कोई भी एमएनपी करेंगे तो उसके लिए आप सेम सर्कल मतलब होता है कि मान लो आप एमपी में रह रहे हो तो एमपीसीजी में आप चेंज करा रहे हो तो आपको 2 दिन का समय लगेगा। यदि आप मध्य प्रदेश से एमपीसीजी से आप राजस्थान, यूपी या दिल्ली किसी अन्य सर्कल में जा रहे हैं तो उसके लिए 4 दिन का समय लगेगा। और इसके अलावा यूनिक पोर्ट कोड जो होगा वो 15 दिन के लिए जो वैलिड होता था, अब वो उसकी वैधता उसकी कम कर दी गई है, उसकी कर दी गई 4 दिन। आप यूनिक पोर्ट कोड जनरेट तो कर लोगे लेकिन वो 4 दिन के लिए ही वैलिड रहेगा, यानी 4 दिन के अंदर आपका तो हो जाएगा पोर्टेबिलिटी, इसलिए उसके लिए 4 दिन कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट सर्कल यूजर के लिए नहीं है, यानी इन जगहों को छोड़ करके बाकी हर जगह के लिए ये सुविधा लागू कर दी गई है एमएनपी। अब ट्राई के अकॉर्डिंग इसी रूल्स के अनुसार पोर्टेबिलिटी होगी, तो आप कराना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका लाभ ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह औसम वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।